कोविड की वजह से इतना लंबा अरसा जो ना हम सब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे, अपने अपने घरों में कैद रहे और अब भी कैद हैं, तो हर किसी ने जो उनका इन जगहों को मिस किया है। जो फ्रिक्वेंटली ट्रेवलर हैं उन्होंने तो बहुत ज़्यादा इन जगहों को जो ना बहुत ज़्यादा मिस किया है, और जो लोग इस साल आने का प्रोग्राम कर रहे थे और जो लोग इन खूबसूरत जगहों को देखने की जो ना आदी हैं, तो सभी ने और टू बी ऑनेस्ट हर कोई जो ना अफेक्टेड था, पूरी दुनिया से मुतासर हैं, बच्चे भी हैं बूढ़े भी हैं। तो ऐसे में ये जगह भी वीरान है और ज़ाहिर बात है आप ही की वजह से रौनक है, आपकी वजह से ये सारा कुछ है, लोगों की वजह से ही बनता है दुनिया। तो ये सब भी जो ना बहुत ही वीरान है और टू बी ऑनेस्ट पूरी गिलगित बल्तिस्तान ने आप लोगों को भी मिस किया है, टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा मिस किया है। तो अभी जो है ना अथॉरिटीज़ की तरफ से, गवर्नमेंट्स की तरफ से, गर्चे कोरोना का तो सिचुएशन आपको पता है दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है पूरे पाकिस्तान में, सेम सिचुएशन है गिलगित बल्तिस्तान में भी बढ़ता ही जा रहा है, तो उसके बावजूद भी गवर्नमेंट्स और अथॉरिटीज़ ने अब जो है ना आपको पता है नरमी बढ़ती जा रही है हर चीज़ में। तो ऐसे में बहुत सारे लोग नेट पे पूछ रहे थे, दोस्त आप इनबॉक्स में भी पूछ रहे थे कि अब क्या सिचुएशन है, कि अभी ट्रेवल करना चाहिए कि नहीं इस साइड पे। तो आज की वीडियो जो है ना इसी से मुतलिक है कि अभी यहाँ पे क्या सिचुएशन है, नॉन लोकल्स के लिए क्या क्या इश्यूज़ हैं, अभी आप आएंगे तो क्या मसला हो सकता है, और अभी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, होटल्स की क्या सूरत हाल है, गवर्नमेंट्स की तरफ से क्या जो ना है, और SOPs किस तरह के जो ना आपको अपनाने की ज़रूरत है, इन सभी के मतलब आज की वीडियो है। एंड तक देखिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा। इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि बहुत जल्द जो ना ये सारी सिचुएशन ठीक हो। तो आए वीडियो की जानिब जाते हैं। तो आए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट्स की तरफ से क्या हदायत हैं, क्या SOPs हैं, या क्या अभी अलाउ कर रहे हैं कि नहीं टूरिस्ट को, बाहर के नॉन लोकल्स को। तो सबसे पहले इस बारे में हम बात करते हैं। टूरिस्ट के लिए फ़िलहाल हमारे लिए कोई हुक्मनामा जारी नहीं हुआ है हमारा अफसरान बारा की तरफ से। जो नॉन लोकल जो हम यहाँ पर आते हैं टूरिस्ट वगैरह, हम उनको बाकायदा यहाँ पे रोकते हैं और उनका एंट्री दर्ज करते हैं, आगे आप हमारे अफसरान बाला से पूछते हैं, उनका परमिशन मिला तो यहाँ से उनको छोड़ा जाता है, नहीं तो फिलहाल के लिए हमें कोई हमारे पास नहीं है। जी दोस्तों, दरअसल बात यही है कि जिस तरह आपने इस वीडियो में भी देखा कि जस्ट ऊपर से ऐलान आते हैं, मगर प्रॉपर कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया कि पुलिस को अलाउ दे कि नॉन लोकल्स को जो है ना यहाँ आने की इजाज़त दे दें, किसी चेक पोस्ट पे या जहाँ जहाँ पे सिक्योरिटीज के बंदे हैं, किसी को भी अभी तक कोई नोटिफिकेशन इस बारे में नहीं आया है कि नॉन लोकल्स को जो है ना यहाँ पे आने की इजाज़त दे दें। तो 26 जून को भी एक आपने सुना होगा कि 26 जून को ओपन हो जाएगा SOPs के तहत, मगर वो बात भी जो ना अब भी यही है कि जो ना अभी तक कोई इस तरह का जो प्रॉपर चैनल से कोई नोटिफिकेशन कहीं पे भी नहीं आया हुआ। तो इस सिलसिले में ये है कि आपको बहुत सारे खौरी का फाइन सामना करना पड़ सकता है जो नॉन लोकल्स हैं। मैं ख़ुद रिसेंटली पिंडी इस्लामाबाद से यहाँ पे आया हूँ, मैं तो यहाँ का लोकल हूँ, तो मुझे तो इतना नहीं इशू हुआ। मैंने कई जगह पर जो ना देखा है कि बहुत जो लोग नॉन लोकल्स थे और उन अनजाने में आए थे, उनको भी यही लगा था कि शायद ओपन हो गए, तो वो फंसे हुए थे और वहाँ से रिटर्न हो रहे थे, खुसूसन जो गिलगित बल्तिस्तान का एंट्री चेक पोस्ट है थवार और चिलास वगैरह, वहाँ से जो ना उनको वापस भेजे जा रहे थे। तो बेहतर यही है कि आप ही जो ना ट्रेवल ना किया जाए गिलगित बल्तिस्तान साइडों पर। दरअसल यहाँ पर बात एक ये है कि शायद आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह में भी सुना होगा कि गिलगित बल्तिस्तान का जो रिसेंटली जो ना गवर्नमेंट्स हैं वो हुकूमत चली गई है नून लीग की, और अब जो है ना यहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं, निगरान हुकूमत हैं जो
तो निगरानों को मत जो ना बहुत जल्द विद इन वीक या 10 डेज के अंदर जो ना अपनी कैबिनेट वगैरह सारे कुछ सेटिंग वो कर लेंगे। तो ऐसे में जो ना उसकी फौरी बात ये कोई इस तरह का बोल्ड स्टेप ले सकती है कि आया कि नॉन लोकल्स को इजाज़त दे या ना दे। तो अभी तक जो ना आई थिंक ट्रैवल करना किसी के लिए जो ना बेस्ट नहीं है, क्योंकि वही बात है कि गैर यकीनी सूरत हाल है हर जगह पर। बाकी चीज़ें ओपन से हैं, रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, होटल्स भी हैं, मगर होटल्स में भी बस यही है कि जाहिर बात है वहाँ पे कोई आ नहीं रहे। जब किसी को एंट्री पॉइंट पे चेक पोस्टों पे रोका जा रहा है तो फिर वो जाहिर बात है होटल्स तक वो कैसे आएंगे। तो यही सीन है। बाकी देखें कि ये केयरटेकर गवर्नमेंट्स जो ना बहुत जल्द इस बारे में कुछ फैसला करे। तो ये आई थिंक जो ना कम से कम 15 दिन 20 दिनों के अंदर इंशाल्लाह उम्मीद है कि सारा कुछ सेटल हो जाए। कुछ लोग जो ना पुशिकवा है कि यहाँ पे SOPs में ना बहुत सख्त शराइत रखे गए हैं, जिस तरह एक फॉरनर के लिए रखते हैं। दरअसल गिलगित बल्तिस्तान में हॉस्पिटल्स वगैरह और सेहत के जो दूसरे इदारे हैं पहाड़ी इलाकों में, आपको पता है बहुत दूर दराज जो ना इस तरह के इदारे होते हैं। तो इस हवाले से जो ना गवर्नमेंट्स खुद मजबूर हैं क्योंकि आवाम को फैसिलिटी नहीं है इन चीज़ों की। तो अगर इन केस बाहर के जो टूरिस्ट आएंगे और वो लोग भी यहाँ पे रहेंगे तो खुदा न खास्ता वो कोरोना का शिकार हो जाते हैं या उनकी वजह से जो ना लोकल्स में ट्रांसमिट हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा जो ना मसला हो जाएगा। इस वजह से जो ना गवर्नमेंट्स मजबूर हैं कि यहाँ पे जो ना SOPs सख्त रखे जाएँ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी और ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, चैनल पे कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो के बारे में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर कोई और क्वेश्चन हो गिलगित बल्तिस्तान से रिलेटेड ज़रूर आप पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं टाइम टू टाइम आपको वीडियोस के ज़रिए डिटेल में बता दूँगा। और सेकंडली आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूँ, मैं रिसेंटली जो ना स्कर्दू से इस्लामाबाद तक सफ़र जो ना मैंने जुगलोटो रूट से करके आया हूँ, ये जानने के लिए कि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम कैसा हो रहा है और कहाँ तक कंप्लीट हुआ है, कहाँ तक ख्वारी है, कहाँ तक जो ना सफ़र इजी है। आप अपनी कार में सफ़र कैसे कर सकते हैं, अगर आप बाई कार आना चाहते हैं, बाई बस आना चाहते हैं, तो इस मतलब इंशाल्लाह मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है, चंद दिनों में इंशाल्लाह कंपाइल करके मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा, ज़रूर देख लीजिएगा। अगर तो नियर फ्यूचर में अगर आपका प्लान हो और जुगलोट से कर दो रूट पर, तो आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगी, ज़रूर देख लीजिएगा उस वीडियो को भी। कंक्लूजन ये है कि जब तक सूरत हाल क्लियर नहीं होता आप अपने घर पे ही रहिएगा, अपने बच्चों का भी अपने बुज़ुर्गों का भी ख्याल रखिएगा, घर पे रहिए, एहतियात कीजिएगा, SOPs को फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसी तरह की एक और वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक गोहर बल्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।